पीछे से निकालता हूँ तो ये बिल्कुल जेड ब्लैक लगती है देखने में। और इसका फ़ायदा ये है कि चलो मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आप अपनी गाड़ी को जेड ब्लैक लुक कैसे दे सकते हैं, मतलब लीगली। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लीगली अपनी गाड़ी को जेड ब्लैक लुक दे दो, क्योंकि जेड ब्लैक आप किसी भी तरह का अगर आप यूज़ करते हो तो वो इलीगली माना जाएगा। पर फिर भी शौक है कि कुछ लोगों को, जैसे कि मुझे भी है शौक कि अपनी गाड़ी ना मतलब जेड ब्लैक सी हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगे। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सनशेड आते हैं ये वाले, ये मैंने यूज़ कर रखे हैं साइड में, बैक में भी। तो ये ना दो टाइप के आते हैं, एक तो आते हैं जो पूरे कवर हो जाते हैं सामने तक, ना पूरा मिरर कवर हो जाता है उनमें, और एक आते हैं ये हाफ वाले। तो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनमें ना साइड मिरर दिखता रहता है कि हमें पीछे देखना हो तो सारी चीज़ें मतलब क्लियरली दिख जाती हैं। और अगर आप चाहें तो आप वे फुल जो पूरे मिरर को कवर करते हैं वे वाले सनशेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें ये वाले यूज़ करता हूँ, एक तो ना ये थोड़े ना मतलब इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक तो थोड़े डार्क ब्लैक होते हैं, जैसे मैं आपको अभी बाहर से दिखा दूंगा, ये डार्क ब्लैक वाले हैं जो मतलब थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं और इनमें बाहर से थोड़ा अंदर की विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी लुक देते हैं बाहर से। और जो दूसरे आते हैं वे थोड़े ना कम ब्लैक होते हैं, वे मतलब डार्क ब्लैक नहीं होते, ब्लैक तो होते हैं पर वे थोड़े लाइट होते हैं। उनमें ये होता है कि उनमें इतनी अच्छी लुक नहीं आ पाती, तो इनमें ज़्यादा अच्छी लुक आती है, जैसे कि ये पीछे हैं। और रही बात पीछे के मिरर की, तो पीछे मैंने पीछे भी एक सनशेड लगा रखा है। ये भी मतलब ये हर गाड़ी के मतलब साइज के हिसाब से आ जाता है, आप इसे भी मार्केट से परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पीछे लगा हुआ है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सनशेड का फ़ायदा यह है कि अगर आप जैसे आपको कभी अपने लोकल में चलानी हो जहाँ आपको पता है कि कुछ ऐसा पुलिस वुलिस का कुछ ज़्यादा डर नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब चाहें ना जब रिमूव कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इनका ये फ़ायदा है कि जब आपको लगानी हो, आपको लुक चाहिए, तो आप इन्हें लगा सकते हो। और अगर आपकी कार कहीं बाहर जा रही है या फिर कहीं आप अदर स्टेट में लेके जा रहे हो जहाँ आपको रिस्क है कि पुलिस आपको पकड़ सकती है, मतलब चालान हो सकता है इन चीज़ का, तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं ऐसे किसी को भी प्रेफर नहीं करता कि आप ये चीज़ें करो, पर अगर आपको लुक चाहिए तो आप ये चीज़ें कर सकते हो कि आप अपना बैक मिरर पे ये लगा सकते हो सनशेड और साइड में लगा सकते हो, तो इनसे आपकी गाड़ी की काफ़ी अच्छी लुक आ जाएगी। बाकी छोटे ग्लास होते हैं जो रियर सीट में होते हैं, तो इन्हें आप टिंट करा सकते हो, जो ये दोनों होते हैं इन्हें टिंट करा के फिर आपकी कंप्लीट जेड ब्लैक लुक आ जाएगी गाड़ी की, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, बाकी लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी इन्हें लगा के। और बाकी आपके ऊपर बात है, अगर आपको पसंद है तो आप ये चीज़ें करा सकते हैं और इनसे आपका चालान भी नहीं होगा जब आपकी, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ जब मुझे चलानी होती है, पर मैं आपको कभी भी ऐसे एडवाइस नहीं करता कि आप ये चीज़ें करो अगर आपका शौक है। जैसे कुछ लोगों को होता है मॉडिफिकेशन का शौक, जैसे कि मुझे काफ़ी है, तो मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसे प्रमोट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर।